हे राम, ये आखिरी शब्द थे उस व्यक्ति के जिसने संपूर्ण विश्व को अहिंसा, समानता, प्रेम और भ्रातृत्व का विचार दिया। बापू चले गए, किंतु बापू के विचार नहीं, गांधी जी अपने विचारों की निरंतर जीवंतता के साथ अमर हो गए। आज गांधी जी के विचार हिंसा, घृणा और असमानता से घिरे संपूर्ण विश्व के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। अपने मूल विचारों अहिंसा और सत्याग्रह पर जीवन पर्यंत डटे रहकर बापू ने दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी दिलवाई। बापू ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के अहिंसक विरोध के साथ अपने दृढ़ विचारों की यात्रा शुरू की। भारत लौटे तो घूम घूम कर भारत की आत्मा से वास्तविक साक्षात्कार किया। जब बापू ने विपन्न भारतीयों की दयनीय स्थिति देखी तो नाम मात्र के कपड़े पहनने और उसे भी अपने हाथों से कातने का निर्णय लेते हुए खादी को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जब महात्मा गांधी जी ने अपने तार्किक और अडिग विचारों को रखा तो देखते ही देखते वे भारत के करोड़ों मानवों की सशक्त आवाज बन गए। अंग्रेज जमींदारों द्वारा भारतीय किसानों पर थोपी जा रही दमनकारी नीतियों के विरोध में चंपारण आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह की सफलता ने बापू और उनके विचारों को मानने वाले लाखों लोगों में आशा की किरण जगाई। नमक सत्याग्रह के लिए बापू ने दांडी मार्च कर अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ा। बापू के भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को ये एहसास करा दिया कि अब भारत में उनका शासन और नहीं चल सकता। इतिहास गवाह है कि बापू कभी अपने मार्ग से न डिगे न थके। जलियांवाला बाग की नृशंस घटना के बाद असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण जैसे ही हिंसक हुआ तो तमाम विरोधों के बावजूद बापू ने यह आंदोलन वापस ले लिया। इस कदम से उनका अहिंसा के प्रति तीव्र आग्रह का संकेत मिलता है। बापू न केवल अंग्रेजों से लड़े बल्कि भारतीय समाज की कुरीतियों, भेदभाव, अस्पृश्यता के विरुद्ध भी लड़े। बापू अखंड भारत के प्रबल पक्षधर थे। इसे बापू ने स्वयं अपने शब्दों में कुछ यूं कहा भी, हिंदुस्तान का खंड होने वाला है ऐसा कहा कुछ किसने? अभी तक तो हुआ नहीं है, होगा या नहीं वो भी नहीं जानते हैं। अगर मैं सबको समझा सकता हूँ तो मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान एक है, भूगोल उसकी एक बनी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं, तो हिंदुस्तान का खंड कैसे हो, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर सकता है। बापू का एक सपना था, सभी धर्मों के लोग भारत में भाईचारे के साथ प्रेम से रहें, एकजुटता के साथ रहें, भेदभाव मुक्त और खुशहाल भारत का निर्माण करें। बापू ने स्वयं ये कहा भी, ये मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में, राजकोट में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, सारा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहे, एक बनकर रहे तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते, ये मेरा ख्वाब। बापू का विराट व्यक्तित्व सदैव से प्रेरणा पुंज बनकर मानवता का पथ आलोकित करता रहा है। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे महान जननायकों ने बापू के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। संपूर्ण विश्व इस वर्ष अहिंसा की पुजारी और मानवता के सच्चे सेवक महात्मा गांधी जी की जयंती का 150वां वर्ष मना रहा है। राजस्थान सरकार ने बापू के जन्म शताब्दी वर्ष आयोजन को आगामी वर्ष 2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महानगरों से लेकर छोटे गांवों तक बापू के संदेश को पहुंचाया जाएगा। केवल भारत ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बापू के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया है। आज जबकि संपूर्ण विश्व में हिंसा, परस्पर घृणा का बोलबाला है, ऐसे परिदृश्य में महात्मा गांधी जी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आइए, अवसर आया है संकल्पबद्ध होने का, अवसर है बापू की जयंती का 150वां वर्ष। आइए हम सब बापू के संदेशों को, उनके बताए अहिंसा, प्रेम, भाईचारे के विचारों को आत्मसात करें।